अपना से हमारे इस योगा का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा उसको हम कैच करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन को। सो चलिए ओम का जाप करते हैं। 3 बार गहरी सांस लेंगे, गहरी सांसों को भर के लंग्स तक टॉप अप भरेंगे जब तक आपको पता चले कि हाँ अभी मैं नहीं ले सकता है, नहीं ले सकती, वहाँ तक आप अपने सांसों को भरें। और अपने सांसों को एकदम टॉप अप भरे और ओम का जाप करते हुए दूसरी बार गहरी सांस भरेंगे तीसरी बार गहरी सांस भरेंगे अभी आपकी जो आंखें है उसको खुली ही मतलब बंद ही रखेंगे और हम लोग गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय श्लोक अभी हम बोलेंगे गाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, गहरी सांसों के साथ गायत्री मंत्र स्टार्ट कीजिए। सांस लेकर सब गायत्री मंत्र गाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। अभी महामृत्युंजय श्लोक गाएंगे। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् दूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमापिता। अभी हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, जितना हो सके उतना टॉप अप भरेंगे अपने लंग्स तो इससे हमारे जो लंग्स है वो एकदम मजबूत होंगे और मजबूत होने के साथ हमें जो आजकल जो चल रहा है कोरोना की महामारी उससे हम बच सकेंगे अच्छी तरीके से। जितना हो सके उतना हमें ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन लेने के बाद हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। सो ये करने के बाद हमें अपने हाथों का घर्षण करना है, अपने हाथों को घर्षण कीजिए अपने हाथों का जितना हो सके उतना फास्ट कीजिए और अपनी जो आंखें हैं उससे खोलनी नहीं है और जितना हो सके उतना फास्ट कीजिए, गर्माहट को महसूस कीजिए अपने हाथ से और वो हाथों को अपने मुंह पर लगा दीजिए, फेस पर लगा दीजिए और जो ऊर्जा मिली है हमें प्रार्थना करके ओम करके उसे फील करें और धीरे से अपनी आंखों को खोलें, धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मल थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए, हम रेडी करेंगे हमारे बॉडी को। अभी हम खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर ही खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े होके कमर पे हाथ रखेंगे, अपनी जगह पर खड़े होके कमर पे हाथ रखेंगे और फेस की एक्सरसाइज करेंगे। उसमें अपना जो फेस है वो एकदम ढीला छोड़ के ऊपर नीचे करेंगे। अपना जो फेस है वो धीरे धीरे, और जो कोई भी अनम्यूट है वो प्लीज अपना जो माइक है वो म्यूट कर दीजिए, अपना जो माइक है वो म्यूट कर दीजिए।
सो अभी जो अपना फेस है वो ऊपर नीचे करेंगे, एकदम हल्का रखना है आपका जो फेस है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। अभी लेफ्ट राइट करेंगे, आंखों को बंद रखती है, लेफ्ट राइट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। और हो सके तो अभी पंखे के नीचे ना बैठे, योगा करने के बाद जो आपको पसीना होगा और जो आपको जो हवा लगेगी उसके वजह से आपको थोड़ी सी सर्दी भी हो सकती है। ये करने के बाद आपका जो हेड है वो रोटेट करेंगे हम, ऐसा जो हेड होगा हमारा पूरा रोटेट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और जो अनम्यूट है वो प्लीज ध्यान में रखो कि उसको म्यूट रहना है। ऐसा घुमाएंगे, घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, हम दूसरा व्यायाम करते हैं। दूसरे व्यायाम में हमें हमारे जो हाथ है वो ऐसे सीधे करना है। सीधे करने के बाद हमारी जो हथेलियाँ है उसको एकदम जेंटली, एकदम अच्छी तरह तरीके से घुमानी है, एकदम अच्छी तरीके से, कि सुबह सुबह जब भी हम योगा करते हैं तभी हमारे जो मसल्स होते हैं वो जकड़ गए होते हैं एक दूसरे से। तो ये आपको हेल्प करता है आपके पूरी जो बॉडी है उसको रिलीज करने का, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द बॉडी की जो वेन्स है वो एंड होती है आपके हाथों से। तो जितना आप आपके हाथों को अच्छा रखोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज के योगा में मैं ये भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे अपनी हाइट बढ़ा दी जाती है, मतलब बढ़ाई जाती है आपकी हाइट को। सो आज के योगा में ऐसे भी सब आसन है। ये करने के बाद आपके हाथ को नीचे नहीं करना है, अभी हम आएंगे एल्बो की तरफ। आपको ऐसा करना है, आपका जो हाथ है एल्बो से शोल्डर्स तक टच करना है, आपका जो हाथ है वो एल्बो से मोड़ कर शोल्डर्स तक टच करना है। तो यहाँ से आपको 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 अपना जो हाथ है वो शोल्डर्स तक सब टच करना है और ऐसा आपको 10 बार करना है। अभी आते हैं यहाँ, मतलब आपके जो हाथ है उसको फैला देना है और यहाँ से शोल्डर्स तक टच करना है। ये होती है एल्बो वाली एक्सरसाइज। अभी एल्बो वाली एक्सरसाइज के बाद हम आते हैं शोल्डर्स की ओर। अपनी जो फिंगर्स है वो शोल्डर्स पर टच कर दीजिए और ऐसे करके आपको अपना जो शोल्डर है रोटेट करना है। उससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर है वो भी अपने मसल्स अपने जो है यूज़ करेगा और आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी। जब भी आप ये करोगे आपका जो आपकी जो अपर बॉडी है वो अभी धीरे धीरे लूज हो रही है, जो एकदम अच्छी तरीके से करेगा उसको शोल्डर्स में दर्द होने लगेगा, जो अच्छी तरीके से करेगा। अभी एंटी क्लॉक वाइज इसको हमें टच करना है, इसको हमें टच करना है, ये जो एल्बो है इसको हमें टच करना है। सो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा और वो दर्द के वजह से ही हमारे जो शोल्डर्स के मसल्स है वो ओपन होंगे। आप अच्छी तरीके से रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, स्केटिंग अच्छी तरीके से कर पाओगे और घर का काम भी आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। अभी हम आते हैं लंग्स की तरफ। अभी लंग्स को एकदम पावरफुल कैसे बनाना है अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। थोड़े से पैरों को खोल दीजिए। खोल देने के बाद आपके जो ये दो हाथ है ये ऐसे फैला दीजिए और जब ऐसे पीछे की तरफ हम जाए तब हमें डीप एकदम जितना हो सके उतनी हमें सांस लेनी है, टॉप अप कर देना है और नाक से ही सांस लेनी है। ओके, एकदम टॉप अप करना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसे आप फॉलो कीजिए। देखो तो इससे क्या होगा, इससे जब आपके जो लंग्स है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे और ये कोरोना के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं वो एकदम स्ट्रांग होता है। जब भी आप ऐसा करो तो आपको आपकी कमर से झुकना है पीछे। देखो मैं यहाँ पे आपको बोल के बता देता हूँ, जब भी आप बैक जाओ तो आपको आपकी कमर से झुकना है और ऐसे पूरे हाथ फैला देना है, उससे आपकी चेस्ट ओपन होगी, हाथ पूरे फैलेंगे, लंग्स में पूरी हवा भर देनी है, नाक से भरनी है, नाक से ही छोड़नी है। आपको फिर से बता रहा हूँ, सांस लेते हुए हवा भरे, टॉप अप कर दे एकदम और नाक से ही छोड़े।
दस बार करें, इससे जो है आपके लंग्स एकदम मजबूत होंगे और आपको भी फीलिंग, और जिसको चक्कर आते हैं या हाई बीपी रहता है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेशन में है ऐसे एडल्ट लोग भी है, सो वो लोग की जो करने की मैं इच्छा को मैं एकदम अच्छी तरीके से उनको सैल्यूट करता हूँ कि इस उम्र में भी वो लोग योगा करते हैं। तो बॉडी और योगा बॉडी बनाने का और योगा करने का कोई स्पेसिफिक एज नहीं होता है। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। अभी नेक्स्ट आसन में आपको एकदम ध्यान में रखना है कि ये है ताड़ासन, मतलब पाम ट्री जैसा हमें पोस्चर करना है, उससे हाइट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। जिसको अपनी हाइट बढ़ानी है या तो फिर हाइट नहीं बढ़ती है उसे हाइट बढ़ानी है, तो ये आसन को फॉलो रोज करें। इस आसन के चार टाइप्स हैं, तो फर्स्ट बताता हूँ उसके बाद दूसरे तीन हैं। सो अभी हम देखेंगे फर्स्ट, मतलब आपके जो पैर है वो ज्वाइन कर दीजिए एकदम, मेरा पोजिशन आप देख सकते हो, एकदम ज्वाइन कर देना है आपके सभी पैर को, और उसको एकदम ज्वाइंट ही रखना है। ज्वाइन करने के बाद एकदम धीरे से आपके जो हाथ है वो ऊपर ले जाना है, और जो ये आपके बाइसेप है, ये आपके जो बाइसेप है वो आपके ईयर को टच करना चाहिए, इतना ऊपर ले जाना है, खींचना है, और खींचने के बाद हमारा जो पैर है उसको ऊपर करना है, और हमारी उंगलियों के सपोर्ट पर हमें ऊपर आ जाना है, और जितना हो सके उतना हमें हमारी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ खींचना है। खींचने के बाद एक या दो मिनट तक वेट करके नीचे आएंगे फिर से, और हाथ नीचे कर देंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, एकदम ऊपर खींचेंगे, अपने बाइसेप्स को अपने कान तक अड़ा देंगे, मतलब टच करा देंगे, और बाद में हम हमारे पैरों को ऊपर ले जाएंगे, जितना हो सके उतना ऊपर ले जाएंगे, और अपने हाथों को जितना हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए। इससे आपकी जो हाइट होती है वो इंस्टेंट बढ़ती है। एकदम खींचिए अपने हाथ को, वो अपर बॉडी को जितना हो सके उतना ऊपर खींचिए, फिर से नीचे ला दीजिए। ये हुआ फर्स्ट टाइप ताड़ासन का, ये हुआ फर्स्ट टाइप। अभी थोड़े से पैर को खोल देने हैं, थोड़े से ही आपके पैर को खोल देना, मतलब शोल्डर डिस्टेंस से आपको अपने पैर खोल देने हैं। उसके बाद आपके जो ये हैंड्स है वो लॉक कर देना है, आपके जो हैंड्स है वो लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको ऊपर ले जाना है, जितना हो सके उतना आपको ऊपर अपनी बॉडी खींचनी है, अपर बॉडी खींचनी है, और अपने जो बाइसेप्स है उसको कान तक टच कर देना है, और बाद में फिर से ऊपर जाना है जितना हो सके। हमारे जो काफ्स मसल होंगे वहाँ पे थोड़ा दर्द होगा, सो वही हमें हेल्प करेगा हमारी हाइट बढ़ाने के लिए। जितना हो सके उतना ऊपर आपकी बॉडी को जो है स्ट्रेच कीजिए, जितना हो सके उतना आपकी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, करते रहिए करते रहिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए। फिर ये करने के बाद अभी हम आते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में थोड़े से पैर को खुले रखना है, और ये अपने जो हाथ है उसको फिंगर से एकदम लॉक करना है, ऊपर की साइड रखे, और हम जैसे हैं वैसे ही यहाँ पर बैंड होना है, जितना हो सके उतना हमें बैंड होना है। बैंड होने के बाद स्ट्रेट, फिर से बैंड, सिर्फ ध्यान में रखना है कि आगे नहीं झुकना है, आगे झुक के बैंड नहीं होना है, उससे आपका बैक पेन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे खड़े हो वैसे ही आपको वैसे ही पोजिशन में बैंड होना है, जितना हो सके उतना, ओके, आपको बैंड होना है जितना हो सके उतना, ट्राई करना है। ये आपकी हाइट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है। आप योगा की तरफ कॉन्सेंट्रेट करोगे सो योगा आपको बहुत हेल्पफुल रहता है फ्रेंड्स, और इसकी ये जो मैं आसन आपको करवा रहा हूँ उस आसन से आपकी हाइट भी बढ़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। ये हुआ थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा भी है। तो इसमें क्या करना है, आपके जो पैर है वो ऐसे करके खोल देना, मतलब आपका लेफ्ट पैर है वो ऐसा रहेगा, राइट पैर ऐसा रहेगा, मतलब ऐसे फेस करने चाहिए, ऐसे लेफ्ट राइट की तरफ, मतलब ऐसे आपके पैर को स्टेबल कर दीजिए, मतलब इस तरीके से फेस करने चाहिए आपके पैर। हाँ, जो लोग को आता है वो वेरी गुड। ये करने के बाद आपको सेम ऊपर जाके स्ट्रेच करना है आपकी बॉडी को, स्ट्रेच करना है जितना हो सके उतना, बाइसेप्स को कान तक टच करा दीजिए, और
ऊपर की तरफ जाते रहिए जितना हो सके उतना। और जब आप नीचे आओगे तब आपको घुटनों के पीछे वाला एरिया जो है उसको हम काव्स मसल बोलते हैं, तो वहाँ पर दर्द होगा। सो वो एक सिंबल है फ्रेंड्स कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। अभी हम आते हैं त्रिकोण आसन की ओर। त्रिकोण आसन मतलब उसमें ट्राइंगल बनेगा, और ये अगर आप आसन अच्छी तरीके से करोगे तो पसीना आने लगेगा मेरी तरह। सो त्रिकोण आसन में करना ये है, आपके पैरों को मैक्सिमम जितना हो सके उतना खोलना है। ओपन कर दीजिए आपके पैरों को घुटनों से स्ट्रेट। घुटनों से स्ट्रेट होने के बाद एक हाथ ऊपर यहाँ की साइड वाला लेफ्ट साइड में फेस करता हुआ ये हाथ, और ये जो हाथ है उसको सिंपली यहाँ पर ले जाना है, इसको टच करना है। थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूँ, उसकी वजह से मैं स्क्रीन में आपको लिखूँ। थोड़ा सा हमको स्ट्रेच करना है हमारी बॉडी को, हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, और हमें थोड़ा सा बैंड होना है जैसा हमने वो ताड़ासन में किया था उसकी थर्ड टाइप। अभी हम एक ये वाला हाथ नीचे करेंगे, राइट साइड वाला हाथ ऊपर करेंगे। अभी इसको हमें इससे टच करना है, और दूसरा हाथ जितना हो सके उतना नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। देखो ये जो मेरा मेरा पोस्चर बनेगा वो ट्राइंगल जैसा बनेगा। देखो आप स्क्रीन में अगर देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो जो मेरे पैर है और वो सब है वो ट्राइंगल पोजिशन में बन रहे हैं। सो ये आपको रेगुलरली करना है, जितना हो सके उतनी आपकी स्पीड को बढ़ाइए, जितना हो सके उतना आपकी स्पीड को बढ़ाइए। और जो लोग ये अच्छी तरीके से करना है उन लोगों को आ गया, सो वो लोग की जो हाइट है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगी। ये करने से आपकी जो बैक का जो एक्स्ट्रा जो मसल वो फैट होता है, फैट भी कम होता है, पेट भी इससे कम होता है बहुत अच्छी तरीके से। अभी हम आते हैं दूसरे आसन की ओर, उसका नाम है हस्तपादासन। उसमें क्या होता है, देखो मैं थोड़ा इस तरफ का टर्न हो जाता हूँ, उससे आपको दिखेगा। आपके हाथ को ऊपर ले जाना है, एकदम बाइसेप्स तक टच कर देना है। टच करने के बाद सिंपली बैक साइड मतलब एकदम बैक साइड वाली बैक से हमें नीचे आना है, मतलब एकदम लोअर बैक से नीचे आके हमारे जो हाथ है जो हथेली है उसको जमीन पर टच करा देने है। पर हमारे जो घुटन है वो हिलने नहीं चाहिए, वो ऐसे आगे नहीं झुक जाने चाहिए। सिंपली एकदम सांस भरेंगे एकदम ऊपर, जब हम ये हाथ ऊपर लेते हैं तब तक तब हम सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद बाइसेप्स को कान तक टच करा देंगे। टच कराने के बाद धीरे धीरे अपनी लोअर बैक से झुकेंगे, और अपने ये जो कलाइया है उसको जमीन पर रख देंगे। इससे क्या होगा, ये भी आपको हेल्प करता है आपकी हाइट बढ़ाने में। फर्स्ट डे नहीं होगा, पर ट्राई करिए कि आपका जो हाथ है वो नीचे टच होना चाहिए। देखो आपका हाथ सिर्फ उंगलियां भी पहले दिन टच हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे भी आपको एडवांस जाना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो एंकल साइड का ये जो पैर है, ये आप देख सकते हो ये जो पैर है उसको पकड़ लेना है और लोअर बैक से झुकना है, और जो आपका हेड है वो आपके घुटनों तक टच करा देना है। मतलब देखो आपको अभी दिख रहा होगा कि मेरा जो हेड है वो टच हो रहा होगा। देखो मैंने मेरी एंकल को पकड़ लिया, लोअर बैक से मैं नीचे झुका और धीरे धीरे मैं गया, और मेरा हेड जो है वो मैंने मेरे घुटनों तक टच करवा दिया। सो ये भी बहुत इंस्टेंट हाइट बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करता है, बहुत। सो अभी हम आते हैं रेगुलर जंपिंग पर, मतलब इसको बोलते हैं योगिंग जॉगिंग। मतलब इसको थोड़ा सा लिंक किया है हमने, योगिंग जॉगिंग बोलते हैं हमें। तो उसमें हमें करना ये है कि सिर्फ हमारे जो पैर है उसको इस तरीके की पोजीशन में हमें रखना है, जितना हो सके उतना फास्ट करना है, जितना हो सके उतना फास्ट। उससे क्या होगा, अगर आप रनिंग करते हो तो रनिंग में आपकी स्पीड आएगी, कोई अदर एक्टिविटी करते हो तो अदर एक्टिविटी में भी आपका जो मन है वो विचलित नहीं होगा, एक जगह पर लगा रहेगा। ये करने के बाद आपके जो पैर है उसको यहाँ पर टच करने की कोशिश, ऐसे की आपके जो पैर है तो हिप्स तक टच करने की कोशिश कीजिए, पूरे मोड़ दीजिए आपके पैरों को पूरे जितना हो सके उतना। फिर अभी हम नॉर्मल जंपिंग करेंगे, और जंपिंग में भी
आपसे जितना जंप हो पाए आप उतना ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। ये नॉर्मल जंपिंग है, आपको जितना ऊपर जा सकते हो ऊपर इतना जंप करने की कोशिश कीजिए। जंप कीजिए, जंपिंग जंपिंग करते रहिए। और अभी हमें करना है फास्ट रनिंग करते हैं अभी हम। फास्ट रनिंग मतलब जितना हो सके उतना फास्ट। जितना हो सके उतना फास्ट कीजिए। इसमें पैर नहीं उठाएंगे तो चलेगा। एकदम फास्ट लोअर बैक से झुकेंगे और एकदम फास्ट। इससे आपकी जो बॉडी है वो रेडी होती है। और अभी शांति से हमें खड़े रहकर कमर पर हाथ रखना है और गहरी सांस लेनी है। इससे जो हमें हमारी जो सांस फूल गई है वो नॉर्मल हो जाएगी। कमर पे हाथ रखिए, नाक से सांस लीजिए और नाक से ही छोड़े। एकदम टॉप अप भर दीजिए। नाक से सांस लेंगे तो आपको पता होगा कि थकान के बाद एक लास्ट जो अपनी जो सांस होती है वो एकदम सेटिस्फेक्शन वाली होती है। सो आपको तुरंत आ जाएगी वो वाली सांस। और जो लोग अभी थके नहीं है रनिंग करके वो अभी भी और भी रनिंग कर सकते हैं। नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही। और आपको ध्यान रखना है कि रनिंग करते वक्त आपके लोअर बैक से आपको झुकना है, बाद में ही रनिंग कर, ऐसे खड़े रहकर नहीं, लोअर बैक से झुक कर एकदम फास्ट करना है। तभी भी आप थोड़ी थकावट महसूस होगी और आराम से एकदम आराम से। बाद में हम फिर से हस्त पादासन करेंगे, उसमें जो अपने हाथ है उसको जमीन तक टच करेंगे। टच करने के बाद ये अपनी कलाई जो है वो घुटनों तक रखेंगे। मतलब जो हमारा फोरआर्म्स है, फॉर एग्जांपल ये है मेरा फोरआर्म्स, तो मैं इसको यहाँ पर टच करूँगा। तो उससे क्या होगा, आपको अपनी उंगलियाँ भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा अंगूठा वहाँ पर जाएगा नीचे। पूरी जो ये आपकी मुट्ठी है वो आपकी नीचे जाएगी एकदम आराम से। आपके घुटनों को खोलना नहीं है और एकदम शांति से डीप ब्रीदिंग करेंगे एक दो बार। अभी हमें करना यह है कि हमें अपने पैरों को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद हमें हम जैसे चेयर पर बैठते हैं वैसी पोजीशन करने हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पीछे चेयर है और मैं बैठ गया चेयर के ऊपर। ये रहा उसका हैंडल, मैंने पकड़ लिया उसको। ऐसी पोजीशन में बैठना है। ऐसी पोजीशन में हमें बैठना है जैसे हम चेयर पर बैठे हो और घुटनों से पैर को हिलाना नहीं है। ओके, घुटनों के ऊपर जो हमारे मसल्स है इसके मदद से घुटनों के ऊपर वाले मसल्स में दर्द होगा। वो दर्द ही आपका एक अच्छा पॉइंट है जिसके वजह से आप अच्छी तरीके से करें, वो एक पॉइंट है। सो आपको ऐसा बैठना है जैसे आप चेयर पर बैठे हो, अच्छी तरीके से आपको बैठना है। चलो 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 जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना फटाफट आप करने की कोशिश कीजिए। करने के बाद आपको इसमें ही सिटअप्स करनी है। सिटअप्स उसमें ध्यान रखना है कि आपके जो घुटन है वो सेपरेट ना हो, जॉइंट ही रखो। करते रहिए। जिन लोगों का वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन करके करते रहिए। ये सब आपके लिए ही है, बाकी करने वाले तो कर ही रहे हैं। वो मैं आप स्क्रीन में दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। वेरी गुड, करते रहिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। अभी
आपके थोड़े से पैर खोल दीजिए, थोड़े से पैर खोलने के बाद शोल्डर डिस्टेंस कर आपके पैर कर दीजिए और घुटनों पर आप हाथ रख दीजिए, लोअर बैक से थोड़े से बैंड हो जाएंगे। घुटनों पर हाथ रख के इसको हमारे जो घुटनों है उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे ऐसा होता है कि जब अभी हम फॉर एग्जांपल बहुत सारा हमने रनिंग कर लिया एक साथ, सो हमारे जो घुटन होते हैं वहाँ पर बहुत दर्द होने लगता है बहुत। सो इसकी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आपको करते रहना है। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। और अभी हम एक दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर चेस्ट के पैरेलल आपके हाथ रख देने हैं और मैं फोर का काउंटिंग दूंगा, फोर में एकदम एकदम खोल देना, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। इसे चेस्ट ओपन होती है, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4। इससे जो है चेस्ट और बैक को अच्छी सी एक्सरसाइज मिलती है, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अभी आपको ये करना है, इसे हम बोलते हैं कटी चक्रासन। आपको चक्रासन का नाम तो पता ही होगा, चक्रासन में पूरी बॉडी को बैंड करते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना है। इसको हमारे जो दो हाथ है, मतलब लेफ्ट हैंड हो तो उसको राइट शोल्डर पे रखना है और दूसरा ये जो हाथ है उसे हमें जितना हो सके उतना पीठ की ओर लाने की कोशिश करनी है। अभी अगर राइट हैंड हो तो लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड हो तो राइट शोल्डर, ऐसे करके जितना हो सके उतना हमें पीछे जाकर दूसरा हाथ को आगे लाने की कोशिश करनी है। इससे हमारी जो बैक है उसको अच्छी सी एक्सरसाइज मिलती है। क्रिकेटर्स ये एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं उनकी जब बैक पेन शुरू हो जाता है, तो ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा सा ये एक्सरसाइज है। उनको किसी प्रॉब्लम की वजह से बैक पेन हो तो ये एक्सरसाइज ना करें। ये तो जब रनिंग के वक्त कोई स्पोर्ट्स के वक्त थोड़ी सी जर्क आ जाता है तो उसको हील करने के लिए ये एक्सरसाइज है। और अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं। सो नेक्स्ट और ये लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपकी ये मतलब एक हैंड को पूरा नीचे जाने देना है और पूरी आपकी बॉडी को मतलब ट्विस्ट करना है। जैसे ट्विस्ट होगी पीछे से वो टक 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 आवाज आएगी। सो वो भी एक अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो रही है धीरे धीरे। और कल से हमारा टाइम 8:15 को ही रहेगा। इसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको वीडियो भेज दूँगा। वीडियो आने के बाद भी अच्छी तरीके से उसको फॉलो कीजिए। और अभी शांति से हमें बैठ जाना है। कैसे? वज्रासन में, मतलब हमारे जो ये दो पैर है उसको मिलाकर हमें बैठ जाना है। हमें क्रॉस लेग नहीं बैठना है, हमें वज्रासन में बैठना है। सो उसमें जो दो पैर है वह ऐसे रहेंगे। एक मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ऐसे आपको बैठना है और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट। अभी आपको इसमें, मैं इसमें भी सिर्फ दो ही कराने वाला हूँ। तो इसमें सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए जमीन पर आपकी जो फेस है उसको टच कीजिए। इसको बोलते हैं हम रैबिट, मतलब रैबिट वाली पोजीशन। फिर से हम अपने हाथों को ऊपर लेंगे सांस भरते हुए, फिर से सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। तो ये आपको रोज करना है जिसको वेट लॉस करना है। सो ये बहुत अच्छी तरीके की एक्सरसाइज है, अपर बॉडी जिसको बढ़ानी है। सो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आप अभी क्रॉस लेग में शांति से बैठ जाइए। अभी सांसों को एकदम शांत करते हुए एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग के साथ हम 3 बार ओम का जाप करेंगे और बाद में हम हमारा जो सेशन है वो एंड करेंगे। सो उससे पहले फूड हैबिट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी मैंने जैसे आपको कल बोला था कि आपको फूड हैबिट्स, मतलब फूड की तरफ कितना ध्यान देना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर आइसक्रीम वगैरह को,
थोड़ा सा भी रेस्ट देना है, उन लोगों को रेस्ट देना है अपनी बॉडी के लिए। सो ये सब नहीं खाना है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। तो जितना हो सके उतना जंक फूड अवॉइड कीजिए। और सुबह उठते ही मैंने आपको बोला था कि कॉपर के वेसल में जो पानी हो वो पीना चाहिए, और दूसरा कि गर्म पानी भी आप जितना पियो उतना आपके लिए अच्छा, कफ नहीं होगा, उससे गला साफ हो जाएगा। अगर कोई सिंगिंग करता है सो उसको गला एकदम अच्छा रखना होगा, सो वो एकदम अच्छी तरीके से कर पाएगा। सो आपको ये जो है उसको फॉलो करते रहना है रोज़। सो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो अच्छी हो जाएगी। अभी एक गोली आती है जिसमें सौंठ डालते हैं, बाद में घंटोड़ा भी डालते हैं उसमें, फिर घी गुड़ और उसका एक मिक्सचर करके एक गोली बनाई जाती है। उसमें जो गोली होती है वो गोली को खाने से आपको थोड़ा सा आपके गले में थोड़ा तीखा तीखा लगेगा। सो वो तीखा लगने का यही कारण है कि आपका जो गले में जो बैक्टीरिया और वो सब जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी बना के खा सकते हो, वो बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवा है। सो ये आपको फॉलो करना है रोज़। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बोलता रहूँगा। सो अभी 3 बार डीप ब्रीथिंग करके, 3 बार हम ओम का जाप करके, हमारी लास्ट प्रेयर करके हम इस सेशन को एंड करने वाले हैं। सो चलो रेडी हो जाइए ओम का स्मरण करने के लिए, ओम का जाप करने के लिए। डीप ब्रीथिंग करेंगे, फिर से डीप ब्रीथिंग करेंगे, फिर से डीप ब्रीथिंग करेंगे, प्रेयर के लिए रेडी हो जाइए। गायत्री मंत्र हम गाने वाले हैं। सो डीप ब्रीथिंग के साथ गायत्री मंत्र हम शुरू करते हैं। अभी आपके जो हाथ है उसको हम दर्शन करेंगे। हाथों को जितना हो सके उतना रख दीजिए, गर्माहट महसूस होने दीजिए, थोड़ी आपके जो हाथ है उसको गर्म होने दीजिए। और उसके बाद आपके हाथ को फेस पर रखेंगे और 2 से 3 बार अपनी आंखों को अंदर ही खोलेंगे, बंद करेंगे, खोल बंद करेंगे आप हमारी आंखों को बंद कर दे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं 8:15 को शार्प। सो चले फिर, बाय फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस करते रहिए इसकी, और जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, कल हम 1-2 प्राणायाम भी करेंगे लास्ट में। सो बाय फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपका, और घर पे रहना, सुरक्षित रहना और प्रैक्टिस करते रहना। बाय।